प्रथम चक्र हमारा जवाबी दौर प्रारंभ होने जा रहा है। धर्म की पढ़ाई शुरू हो रही है, यहां से पढ़ाई शुरू हो रही है। खामोश हो जाओ ए लिखने वालों, जवाबी लड़ाई शुरू हो रही है। मानव कर ले 10 विवाह, क्या बात है, तो कोई नहीं विचार। ये मानव कर ले 10 विवाह तो कोई नहीं विचार। विचार तो है, फिर भी कोई विचार नहीं है। नारी दो चुन ले पति तो उसे नहीं अधिकार। क्या बात है, अरे मानव 10 विवाह कर ले, जैसे भगवान कृष्ण की 16108 रानियां थी। क्या बात है, और अगर नारी दो पति कर ले तो संसार में चबौआ हो जाता है। क्या बात है, बहुत शर्मनाक काम किया है जो कि एक को छोड़ के दूसरे के साथ में गई है। क्या बात है, उसे अधिकार नहीं है ना। लेकिन हमारा गीत क्या कह रहा है, कुछ नारी ऐसी है अनाखी जिनके पति अनेक। ये पतियों के इस दौर में देखो एक से बढ़कर एक। क्या बात है, कुछ नारी ऐसी ही अनोखी जिनके पति अनेक, पतियों के इस दौर में एक से बढ़कर एक। अब देखिए एक से बढ़कर एक नारी कौन सी है जो अनेक पतियों को कर रही है। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, शास्त्री जी हमारा तुम्हारा बहुत दिनों के बाद मुकाबला हो रहा है। हाँ, बहुत दिनों के बाद, क्या बात है। और जब पार्टी बराबर की कसम कसम होती है तो गाने में बजाने में आनंद आता है। क्या बात है, मेरा दिल ये तेरा हो। और अगर पत्नी 10 पतियों को कर ले तो बहुत बड़ा विचार हो जाता। क्या बात है, नारी कुछ निराली हो। We'll be right back.
झुकी है, देख लो ये कैसी, देख लो। बहुत शर्म वाला, शर्मनाक काम किया है और फिर भी नारी महान है। नारी कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है। अब नारी जाति कैसी हो चुकी है, गीत की लाइन कह रही है, क्या बात है। नार कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है, और देख लो यो कैसी, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है। द्रौपदी कन्या द्रौपदी की जो रूप में जैसे रती, द्रुपद राजा द्रौपदी की कन्या द्रौपदी थी, द्रौपदी जो रूप में जैसे रती, एक दो की क्या कहे हम पाचते उसके पति, एक दो की क्या कहे हम पाचते उसके पति, एक दो की क्या कहे हम पाचते उसके पति। ये है पहली बात, सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी पांच पतियों की नारी थी। हाँ बिल्कुल, और फिर भी पतिव्रता कहलाई, किसी ने किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया। ना बिल्कुल नहीं। एक दो की क्या कहे हम पांच थे उसके पति, और एक एक दिल प्यार करती नित नए मिलते सजन। ये है, क्या बात है। एक एक दिल प्यार करती नित नए मिलते सजन, पर गिला कोई नहीं सबू की खुशी थे बंधुजन, सब खुशी थे बंधुजन, सब खुशी थे बंधुजन, सब खुशी थे बंधुजन। और कहना है गिला कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, पांचों भाई आपस में मिलजुल करके रह रहे थे। क्या बात है। आज एक नारी के चक्कर में पूरा महाभारत हो गया। बिल्कुल। और वहां पर द्रौपदी एक है, नारी एक है और पति पांच हैं, और पांचों में झगड़ा नहीं हो रहा है। क्या बात है। कोई गिला शिकवा नहीं था, सब खुशी थे सब खुशी थे बंधुजन, सब खुशी थे बंधुजन। फिर भी पतिव्रता वो ऐसी बात बेतुकी है। क्या बात है, की बात है शास्त्री जी, क्या बात है। फिर भी पतिव्रता वो ऐसी बात बेतुकी है, और देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, ए देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है। नारी कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है। Yeah!
पति की नारी होते हुए भी द्रौपदी है, द्रौपदी को सम्मान मिला है। क्या बात है, किसी ने अपमान नहीं किया ना। नार कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी। देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है। दूसरी बात, महर्षि गौतम की पुत्री ये जिसका जटिला नाम है, महर्षि गौतम ऋषि की एक पुत्री थी जिसका नाम था जटिला। क्या बात है, महर्षि गौतम की पुत्री थी जिसका जटिला नाम है, सात पतियों में वो पत्नी पर नहीं बदनाम है, पर नहीं बदनाम है, पर नहीं बदनाम है। गौतम की पुत्री जटला जो सात पतियों को ब्याही गई और फिर भी उसका सम्मान रहा, सात पतियों को पत्नी पर नहीं बदनाम है, पर नहीं बदनाम है, पर नहीं बदनाम है। और सात बारी बारी से सा तुमसे करती वो रमन, ये सात बार है, सात बार गुरुवार सोमवार शुक्रवार बुधवार और सात ही पति है। सात बारी बारी से सा तुमसे करती है रमन, फिर भी नारी धर्म का दूषित तो हुआ ना आचरण, दूषित तो हुआ ना आसमन, हुआ ना आसमन, हुआ ना आसमन। फिर भी उसके आचरण पर कोई धब्बा नहीं आया, सात पतियों को ब्याही गई। पतिव्रता के वो पद से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए ये नारियां पांच को ब्याही गई और फिर सात को ब्याही गई और फिर भी ये बदनाम नहीं है। नार कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है, फिर भी इनका समाज में सिर ऊंचा है। और आज के वर्तमान समय में कोई नारी अगर दो भी पति कर ले तो वो बदनाम है। शास्त्री जी बड़े समझ का विषय। नार कुछ निहारी जिनकी नार ना झुकी है, देख लो ये कैसी नारी जाति हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जाति हो चुकी है, देख लो ये कैसी
और ये सम्मानी राहुल कुमार जसमापुर के रहने वाले, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अंतिम बात सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। मार सास को, मार सा को ही नहीं संसार में, मारसा एक नारी का नाम है, मारसा सुकुमार सा, सुकुमार जैसी है। मारसा सुकुमार सा को ही नहीं संसार में, सुकुमार सा सुकुमारी मारसा इस जैसा संसार में कोई नहीं हुआ। अरे ये किसी से कम नहीं है पतियों के व्यवहार में, ये किसी से कम नहीं है पतियों के व्यवहार में, ये किसी से कम नहीं है पतियों के व्यवहार में। दस प्रचेता तपस्वी निज पति बने हैं जानकर, दस प्रचेताओं को मारसा नाम की नारी ब्याही गई जिसका नाम था मारसा। दस प्रचेताओं मारसा सुकु मारसा को ही नहीं संसार में, ये किसी से कम नहीं है पतियों के व्यवहार में, पतियों के व्यवहार में, पतियों के व्यवहार में, पतियों के व्यवहार में। दस प्रचेता तपस्वी निज पति बनाए जान कर, ये और प्यार किया सारी उम्र उनको ऐलानी मान कर, ये कानून बंद हो चुकी है। दस दस पतियों की रानी, पांच पतियों की द्रौपदी, सात पति की जटिला, और आज वो कानून व्यवस्था भंग है। क्रोधी कहे अब तो क्या कानून ये फूकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है, देख लो ये कैसी नारी जात हो चुकी है। ये हमारा गाना रहा है। आप सुनिए, खता कौन सी हो गई ये हे मेरे करता, ये एक बार गए छोड़ के आए ना भरता। यहां पर पति छोड़ करके जा रहा है और ये छोटी सी टुकड़ी दे रहा हूं कष्ट पीस, एक गीत हुआ और ये कट पीस लगा रहा हूं।
कोई कहता है पट्टर भैया क्या बात है। सैन कर रही कच्छ सैनों में सैन माने विश्राम आराम। कच्छ सैन होता है उस पर लिखा होता है कच्छ सैन। सैन कर रही कच्छ सैनों में दोनों के पति जिगर नयनों में दोनों के पति जिगर नयन में दोनों के पति जिगर दोनों के पति जिगर नयनों में दो नारियां हैं जिनके पति हृदय में और आंखों में बसते हैं और दोनों के पति छोड़ के जा रहे हैं वो कौन है। कहानी यशो धरा अहलम की कहानी यशो धरा अहलम की अहलम की है पीर दिल गम की अहलम की है पीर अहलम की अहलम की है पीर अहलम की घिरबा सखी ना में घिरबा सखी ना मैं तो हिसार हिसार माने किला मैं उनको किला में नहीं घेर पाई नहीं बंद कर पाई जो कि दोनों के पति छोड़ करके जा रहे। क्या बात है। घिरबा सकीना मैं तो हिसार और तन मन किया मैंने चरणों निसार हर बेदर्दी तगत के चले गए विसार शब्द दो बार आ रहा है। सो गई थी मैं तो शुद्ध बुद्ध विसार और लोटा कलेजे पर जीव विसार। क्या बात है। विसार और विसार एक पेट चीरा चाह है जो अभिलाख लिखो तो वो पेट चीरा सा बनता है। क्या बात है। ऋषि लिखो तो उसमें भी पेट चीरा सा उसी को खा भी बोल देते हैं। अभिलाख लिखोगे तो उसको खा पड़ा जाएगा और ऋषि लिखोगे तो उसी खा को सा पड़ा जाएगा। क्या बात है। अब जब पेट चीरा विसार में सा लग जाता है तो वो सांप के लिए संकेत करता है। ये शब्द कोश में शब्द मिला है। विसार और विसार में एक अक्षर का अंतर है सा का। और लोटा कलेजे पर जो विसार बेदर धीरे दगा देखे बेदर्दी दगा दे के चले गए।
एक गीत और एक कटफिश हुआ है हमारा। चलते हैं महामंत्र की ओर। अरे राम बसे मेरी रग रग मेरे नाय छूटे हरी को नाम भला जी नाय छूटे प्रभु को नाम। राम बसे मेरे रग रग वे राम बसे मेरे रग रग वे नाय छूटे हरी को नाम भला जी नाय छूटे हरी को नाम। अरे मति भूलो हरि को नाम बालाजी नहीं तूने हरि को नाम बालाजी नहीं तूने हरि को नाम। अरे राम बसे तेरी नस नस मेरे नहीं छूटे हरि को नाम बालाजी नहीं तूने हरि को नाम। बोल साचे दरबार की जय।